लर्निंग फोर्ट पे जिप लाइन, कमाल हो गया ये तो। देखो गाइस बंद पड़े ले, गलती हो गई यार गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा रास्ता भूल गए। तो एक नया दिन एक नया सफर, तो आज हम जाने वाले लर्निंग, तो आज हम जाने वाले लर्निंग और लर्निंग फोल्ट पूरा ऊपर तक जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या है कैसा है, आपको सब बताऊँगा पूरा। और अभी मैं यहाँ पर हाईवे खड़ा हूँ ब्रिज पर, तो यहाँ से भी डायरेक्ट लर्निंग पर जाएंगे, वहाँ का ऊपर का व्यू बताएंगे आप पूरा चढ़ के। तो चलते भाई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धुलिया सिटी से लर्निंग फोर्ट ज़्यादा दूर रही नहीं, सिर्फ 4 और 5 किलोमीटर दूर ही है। सो ब्लॉग फुल वॉच करना बहुत ही मजा। टोल गेट पास हम कुछ नहीं आ रहे, बस धुलिया सिटी का टोल गेट है ये। बहुत ही क्लोज आ गए लर्निंग के पहाड़ के हम, और अभी ऊपर जाना है। फाइनली क्रॉस कर लिए हमने रोड, आगे रॉन्ग साइड, अब इधर से जाना है क्योंकि गेट ये साइड में है सामने। तो ये पहुंच गए हम गेट के पास, पार्किंग पर आना है इधर साइड। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गेट पास, खड़ा हूँ मैं अभी लर्निंग के, ये गेट है। अभी यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर बहुत ही ऊपर जाना है, अभी बहुत ही टाइम लगना है, 1 घंटा कम से कम लगने वाला है यहाँ पर। देखो देखो अभी तो पूरा ऊपर भी नहीं आए, यानी यहाँ से देखो क्या दिख रहा है, अभी देखते ऊपर चलते, ऊपर बहुत ही ऊपर है, अभी तो सीढ़ी मिलेंगी नहीं अपने को, वैसे ही जाना पड़ेगा। गर्म बहुत ही खतरनाक हो रहा था, इसलिए मैंने जैकेट उतार के इधर बैग में डाल दिया, तो इसलिए मैं अब ऐसे ही ट्रैवल करूँगा पूरा ऊपर तक। यहाँ से सारी स्टेयर्स खत्म हो गई है, सीढ़ी खत्म हो गई यहाँ से, और यहाँ से अभी जाना है हमें बिना सीढ़ी के ऊपर। देखते सीढ़ी खत्म हो गई है, और देखो अब रास्ता कैसा है ऊपर, सिर्फ पत्थर पत्थर से बना है, और अब जाना है ऊपर से तो अपने को ये भी नहीं मिलेगा, अभी जितना मिल गया ये रास्ता भी नहीं मिलेगा ऊपर, बहुत ही कठिन होने वाला है अभी चढ़ना देखना। अभी वैसे भी अभी आयात तो है अपने पास, बैग में रखे ले अभी आयात मनी, आप सभी को पता होगा क्या है, वाटर पानी और आवाज़ के आते में, और आवाज़ के आते में आप ही ज़्यादा गए, कितना ऊपर आ गए अभी हम, ज़्यादा ही ज़्यादा दूर ऊपर आते, देखते और कितना चढ़ना है, अभी तो बहुत ज़्यादा चढ़ना है। अलग अलग तरह के झाड़ मिल रहे हैं रास्ते में, ये पता नहीं, नहीं जंगली है वो, जंगली जो भी जंगली। आज पता चला ट्रैकिंग किसे कहते हैं, तो ट्रैकिंग करना अरे बाप रे, उसके वास्ते अच्छी फिटनेस चाहिए और हैबिट चाहिए अच्छी खासी। तो अभी देखो कितना ऊपर जाना है, अभी अच्छा खासा ऊपर है, और देखो गेट दिख रहा है यहाँ पे, गेट दिख रहा है, अरे रुकता पानी पीने गेट पास जाना है, ये गेट पास अभी पानी उनी पीते है, देखते हैं रुकते है, भाई बोल रहे हैं क्या प्यास लग गई हो, एक्स्ट्रा डाल भाई गाइस, एकदम धक्के अभी पानी पुनी पीते है, रुकते रुकते यार पानी उनी पीते और देखते हैं फिर क्या आगे चलने का। पहली बात तो रास्ता बिल्कुल नहीं, हाँ बहुत ही खत्म, मैं तो कहना चाह रहा हूँ घुमाना, बोल सांस फूल रही है डायरेक्ट, देखो कितना सुनसान है पूरा जंगल में आ गए हम, अगर शहर मिल गए यहाँ पर तो क्या होगा हमारा। देखो गाइस कितने ऊपर आते जा रहे हैं हम, अपने एक्स राइडर ने भाई भी आए साथ में, हम दो ही आए गाइस। अगर ऊपर गए ना, ऊपर से ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी जो ये इलाका है ना यहाँ पर कोई जंगल, ऐसा ऊपर से ऐसा लगता है कि पूरा सपाट मैदान है पूरा, बहुत दूर दूर तक ऐसा दिखता है। तो आप देखना आपको बहुत ही अच्छा व्यू आने वाला है, पूरा बने रहना, आ जाओ भाई आ जाओ, अरे आ जाओ, कितने ऊपर आ गए देखो, पहुँचने वाले अलग है पर अभी बहुत ऊपर है, क्योंकि अभी इधर से हमें जाना है इधर साइड, फिर इधर से एक रास्ता आएगा, फिर इधर जाना है, ये गेट है मेन गेट, यहाँ पर जाना है अपने।
इधर भी एक रास्ता जा रहा है पर इधर नहीं शायद, ये रास्ता है शायद, सफाड़ मैदान दिख रहे। तो देखो गाइस कितना कोगार आ रहा है, बहुत आड़े, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। गलती हो गई यार गाइस, थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा रोड भूल गए हम, रास्ता भूल गए हम, हमें उधर से आना थोड़ा नीचे साइड से, यहाँ पर शायद बने आगे रास्ता पहाड़ को लगे ले, खूबसूरत भी और खतरनाक भी है। ये नीचे पूरी खाई है, जरा सी भी कुछ हुआ डायरेक्ट काम हो जाने वाला है यहाँ पर। ये चला आगे चल गए, आगे रास्ता नहीं था तो वापस इधर आए, अभी इधर से जा रहे, ये मेन रूट। ठीक है हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर केव पास, जो गुफा है यहाँ की, तो जाता हूँ मैं आपको। चांद उधर है अंदर, इतनी सारी चांद उधर, इधर को आ जा, इधर को आ जा। देखो गाइस बंद पड़े ले, देखो गाइस क्या दिख रहा है हाईवे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम ललिंग के गेट तरफ, गेट है ऊपर ही है, वहाँ से ऊपर जाएंगे अभी हम, तो भाई साहब जो ऊपर जा रहे हैं उधर से आएंगे, फिर डायरेक्ट ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आप। उससे पहले ये देख लो, बहुत मस्त हवा चल रही है यहाँ, पहुँचने वाले बस, हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हम फाइनली पहुँच गए वो गेट पास, फाइनली पहुँच गए गेट पास, गेट ये अंदर की तरफ, तो अंदर क्या है एकदम कंडर पड़ा है। देखो भाई ऊपर से कितना कोली हुआ दिख रहा है गाइस, ऊपर टॉप पे पहुंच गए एकदम, नीचे पूरा मैदान ही मैदान दिख रहा है दूर दूर तक, और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, हालांकि बाल नहीं उड़ रहे पर ठंडा लग रहा है ऊपर, बावड़ी है शायद यहाँ। जब पानी था बारिश का वो यहाँ पर आके जमा होता था इस टाकी में, और वो फिर उनको यूज़ करते थे, उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता था नल उल का, सीधा पानी आता था इसमें जमा होता था और वो इस्तेमाल कर लेते थे। अरे यहाँ पर कुछ बन रहा है, मैं पिछली बार जब आया था जब मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, लेकिन अभी देखो यहाँ पर कुछ बन रहा है, देखो कुछ बन रहा है, अभी क्या बन रहा है उसका आइडिया नहीं है, आइडिया लगाना पड़ेगा क्या बन रहा है। गाइस व्यू देखो गाइस, ओहो बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। ललिंग फोर्ट पे जिप लाइन कमाल हो गया ये तो, ये देखो गाइस जिप लाइन है, यहाँ पर पता चला है जिप लाइन मदद से पत्थर लाए जा रहे हैं, देखो ये पत्थर लाए जा रहे हैं, और यहाँ पर उसकी मशीन लगी है जंगलेटर की, और ये यहाँ पर पूरा जिप लाइन अभी हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर है गुफा, छोटी सी गुफा है अंदर, अंदर की साइड अंदर भी जाके देख लेंगे, देखो भी ये गाइस, और यहाँ से कुछ नहीं है, ये सिर्फ गुफा है छोटी सी, और देखो यहाँ से व्यू। गाइस अब हम जा रहे हैं रिटर्न वापस, तो पूरा टूर कंप्लीट होता है यहाँ पर, पूरा ट्रैक यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो देखो अब इधर से हम नीचे उतर जाएंगे गेट पास से, सामने गेट है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।